गुड मॉर्निंग प्रेयर शुरू करें। सीधा बैठें मगर बिना तनाव के बैठें। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें, अंदर जाती हुई सांस, फिर बाहर जाती हुई सांस, उन्हें जानते रहें। अवेयरनेस होश बनाए रखें। बिना कोई कामना किए सांस को जानते रहें। न ज्यादा सांस चाहिए न कम सांस चाहिए, जितनी आ रही है जितनी जा रही है उतनी चाहिए। पूरे स्वीकार भाव के साथ चलता रहे। विचारों और शब्दों को दिशा देना ठीक है, उससे बढ़कर विचारों और शब्दों को साक्षी होकर देखना अच्छा है, और विचारों और शब्दों को आत्म अवलोकन के लिए इस्तेमाल करना, स्वदर्शन पाने के लिए आईना बनाना उत्तम है। आप शब्दों को, अपने विचारों को प्रार्थना में बैठकर ध्यान प्रार्थना बीज बनाएं। जुबान पर शब्द सवार हैं या जुबान शब्दों को चलाती है, इस घुड़दौड़ में आप कौन हो? यदि आप स्वयं को भूल गए हैं तो शब्दों के माध्यम से अपने आप को याद दिलाएं। आप कौन हो? शब्द आप पर असर करेंगे, शब्द सामने वाले पर असर करेंगे, शब्द ब्रह्मांड पर असर करेंगे, शब्द बेदी तीर सारे भेद खोल सकते हैं। आप भी शब्दों को अपने आत्म विकास में इस्तेमाल करें। हे ईश्वर, मुझे बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो, विवेक जगाओ, ताकि मैं अपने शब्दों का इस्तेमाल केवल दिव्य योजना को फलीभूत करने के लिए इस्तेमाल करूं। हर बात मेरे जीवन में दिव्य अनुभव योजना अनुसार, ईश्वर की इच्छा अनुसार हो रही है, ऐसा ही हो, यही शुभ इच्छा है। यही हर मनुष्य सीख ले, अपने शब्दों से ही अपना स्वास्थ्य पाना सीख ले। शब्दों को दिशा दे, शब्दों को जुबान के द्वारा शक्ति दे। इस शक्ति से सारी नकारात्मकता दूर करे। इस वक्त विश्व में जो नकारात्मकता शब्दों के गलत चयन से बनी है वह मिट रही है। शब्दों के तीरों ने जो लकीरें बनाई हैं वे लकीरें मिट रही हैं।
सारी लकीरें मिट रही हैं। तभी क्षमा के द्वारा शब्दों के घावों को हील कर रहे हैं, उपचार हो रहा है। शुभ्र प्रकाश इन घावों को मरहम की तरह साफ कर रहा है, उपचार कर रहा है। यह उपचार चलता रहे, प्रार्थना समाप्त होने के बाद भी यह उपचार जारी रहे, ऐसी शुभकामना रखते हुए प्रार्थना करें, शब्दों को दिशा दें। आपके शब्द आपकी हानि कभी न कर पाए, ऐसी सद्बुद्धि ईश्वर से मांगें। होश के साथ शब्दों का चयन करके अपनी वाणी से उपचार करें, अपने शब्दों की शक्ति को समझें, उसके रहस्य जानें। ये मंत्र बन सकते हैं, ये जप बनकर आत्म साक्षात्कार में स्थित प्रज्ञ कर सकते हैं। हे ईश्वर, जो भी नकारात्मक शब्द अंदर गए हैं उन्हें समाप्त करो, उन्हें हील करो। जिन लोगों के द्वारा भी नकारात्मक शब्द मुझे सुनने को मिले हैं, मैं उनको क्षमा करता हूँ, उनके लिए क्षमा मांगता हूँ। ईश्वर सबको स्वस्थ करे। आज की समझ जिंदगी भर मेरे साथ रहे, ऐसा आशीर्वाद दो। यह समझ सबको मिले, सबको मिले। अपने शब्दों से जो ताकत आप महसूस कर रहे हैं, यह बल सबको मिले। ध्यान के अंत पर जो ध्यान में बैठे रहना चाहते हैं वे ध्यान जारी रखें, जो आगे के कार्य में जाना चाहते हैं वे ध्यान समाप्त करेंगे।